बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, ये हमारी आज फर्स्ट जूम की क्लास का सेशन है। हमारे इस क्लास के दो सेशन हुआ करेंगे 40-40 मिनट्स के, तो दोनों सेशन के लिए लिंक सेम ही इस्तेमाल होगा। अब्दुल्ला मुनव्वर, आपने जो भी बात करनी है आप चैट में कर सकते हैं, माइक मैंने ओपन नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझसे जो भी बात करनी है चैट आपको इनेबल की गई है, आप चैट में मुझसे बात कर सकते हैं, माइक इनेबल नहीं होगा। अच्छा, और दूसरा, जो आप हैंड रेस्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप मुझसे कोई बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो चैट पे ही मुझसे बात करेंगे और चैट पे ही जो है वो मुझसे कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा जी, आप पहली कोशिश क्या करें कि मैं एग्जैक्टली जो टाइम होता है उस टाइम पे क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो उस टाइम पे फौरी तौर पे आप ज्वाइन किया करें। तो अभी भी स्टूडेंट हैं, 10 मिनट्स पास ऑन होने के बाद भी जो हम ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो कमिंग क्लास के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि आप फौरी तौर पे ज्वाइन कर लिया करें। आई होप कि आप लोगों को असाइनमेंट के मुतालिक जो डिटेल्स हैं वो पता चल गई होंगी। आज आप लोगों ने यकीनी तौर पे LMS को चलाना जो है वो सीख लिया होगा, तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपको ग्रुप में शेयर किया गया है, बताया गया है कि आपने किससे कांटेक्ट करना है। उनसे कांटेक्ट करके आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कंफर्म कर लेंगे और आपने असाइनमेंट जो है वो LMS के ऊपर अपलोड करनी है। LMS से रिलेटेड जो है मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, तो उसके लिए जो है मैं ज़रा ब्राउज़र ओपन करता हूँ। जी, इस वक्त मैंने आपके सामने ब्राउज़र ओपन कर दिया है। इस वक्त ब्राउज़र पे आपको ये लिंक ओपन नज़र आ रहा है, bharani.edu.pk, bharani.edu.pk। जी, जिस स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आ रही, तो अच्छा मुझे बाकी स्टूडेंट मुझे बताइएगा कि आपका अगर आवाज़ आ रही है तो अपना हैंड रेज करके मुझे कंफर्म कर दें। ओके ठीक है, हाथ नीचे कर लें। अच्छा, मुझसे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी कैन वी जस्ट राइट द आंसर ऑफ द ब्लैंक्स। नहीं, आपने ना प्रॉपर असाइनमेंट बनानी है। प्रॉपर असाइनमेंट का मतलब यह कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, जिनको आवाज़ नहीं आ रही तो वो काइंडली एक काम कीजिएगा कि आप जो हैं लीव कर जाएं और फिर दोबारा से ज्वाइन करें, तो मुमकिन है कि आपको आवाज़ आना शुरू हो जाए। आवाज़ ना आने की दो वजूहत होती हैं। एक वजह होती है कि आपका नेटवर्क का कनेक्शन जो है उसका इशू हो, और दूसरा ये होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हुए आपके कनेक्शन में जो है वॉइस की जो कम्युनिकेशन है वो स्टेबल ना हुई हो। तो ये दोनों सूरतों के लिए आपको ना अपने कनेक्शन को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आप लीव कर जाए और फिर से ज्वाइन कर लें। तो खैर, जिसको आवाज़ नहीं आ रही तो उसको कैसे पता चलेगा कि जी। और अगर आपने कोई भी बात करनी है, कोई भी सवाल करना है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप चैट में अपना मैसेज जो है मुझे सेंड करेंगे और मैं फिर उसका रिप्लाई करूंगा आपको। जी, जिन्होंने असाइनमेंट बना ली है या जो भी कर चुके हैं असाइनमेंट के लिए, पहले भी कहा था कि आपने असाइनमेंट प्रॉपर बनानी है, अभी भी कहा जा रहा है कि असाइनमेंट प्रॉपर बनानी है, तो असाइनमेंट प्रॉपर बनाने के लिए आपको क्वेश्चंस भी लिखने होते हैं और उनके आंसर भी लिखने होते हैं। तो आपके पास टाइम है, थर्सडे को आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो आप थर्सडे को असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं।
ओके, तो जी इस वक्त आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इस पे bharani.edu.pk के जो है वो उसका लिंक है, और इसमें अगर आप राइट साइड पे देखिए तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने लॉगिन को क्लिक किया तो ये हमारे पास स्क्रीन आती है जिसमें लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे आके आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बताना है। तो ये मेरे पास जो है इसका यूज़र नेम है, और यहाँ पे आके आप पासवर्ड बताएंगे। तो मेरा ये पासवर्ड है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ, और इसके बाद मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद आपको भी तकरीबन स्क्रीन ऐसी मिलेगी, लेकिन क्योंकि मेरा जो लॉगिन है उसमें मैं मेरा जो रोल है या मेरे पास जो कंट्रोल है वो एज अ टीचर कंट्रोल है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही होंगी। लेकिन कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप जब इस वाले स्क्रीन पे आएंगे तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट कोर्सेज नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि मेरे कोर्सेज नज़र आ रहे हैं। तो इन कोर्सेज के अंदर जो है जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, तो उसके रिस्पेक्टिव कोर्सेज मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इन कोर्सेज में आके आके आपने अपना जो कोर्स है, जैसे कि मैं इस वक्त आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, तो ये वाला कोर्स जो है यहाँ पे जो शो हो रहा है तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये एक स्क्रीन है जो कि आपको भी नज़र आ रही होगी, इसी तरीके से मुझे भी नज़र आ रही है। तो चूंकि ये LMS जो है वो अभी एक्टिवेट हुआ है, तो इसके रिस्पेक्टिव मैंने अभी इसमें कंटेंट्स और नहीं डाले हैं। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ये बुक नज़र आ जाएगी जिस बुक से आपने असाइनमेंट बनानी है। तो ये आप बुक जो है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं उसको मैं वीक वाइज डालता हूँ। तो यहाँ पे वीक वन जो है वो 3 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर है, वीक टू जो है 10 अक्टूबर 16 अक्टूबर है। इसी तरीके से आप वीक फाइव में आ जाएं जो कि हमारा करंट वीक जो है वो चल रहा है। तो ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का ये वीक है, इसके अंदर आपको ये असाइनमेंट नज़र आ रही है। इस असाइनमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे मजीद आपको जो है वो लिंक नज़र आएंगे जो कि आपकी जूम के क्लासेस के लिंक है, वो भी मैं यहाँ पे शेयर किया करूँगा कि आपको जो है वो व्हाट्सएप पे जो लिंक होते हैं अक्सर ऐसा होता है कि वो अपवर्ड जो है वो चले जाते हैं, यानी कि आप जो है मल्टीपल आपके ग्रुप में मैसेज आ रहे होते हैं, मल्टीपल मैसेज आने की वजह से जो आपको लिंक शेयर किया होता है वो काफ़ी आगे चला जाता है। तो उसमें अक्सर जो है वो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा लिंक जो है वो यूज़ करना है। तो उसके रिस्पेक्टिव जो लिंक्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पे शेयर किया करूँगा और आप यहाँ से उसको इस्तेमाल किया करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो असाइनमेंट है इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये व्यू मेरे सामने आ रहा है। इसमें जो है क्योंकि मैं टीचर जो है वो इसमें मौजूद हूँ, तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। जब आप लोग जो है इसको करेंगे तो आपके रिस्पेक्टिव यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिस्पेक्टिव चीज़ें जो है वो मिलेंगी। जी, मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि LMS की यूज़र आईडी हमें कहाँ से मिलेगी। तो व्हाट्सएप के जो ऑफिशियल स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं उसके अंदर एक मैसेज शेयर हुआ हुआ है जिसमें आप बताया गया है कि आपका LMS जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और उसी के अंदर जो है वो हेल्प के लिए जो है वो 3 टीचर्स के नंबर दिए गए हैं। एक उसमें शाहिद जमील साहब का नंबर है, उसमें सर एहसन का नंबर है, इसके अलावा मिस्टर वकार का नंबर है। आपने कोशिश करनी है कि सर वकार से कॉन्टेक्ट कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो आपको उसमें जो है वो हेल्प कर देंगे। तो आपको उनसे जो है वो अपना यूज़र नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड पता चल जाएगा, और उससे आप लॉगिन करके ये काम कर सकते हैं। तो जब आप लॉगिन करें तो उसके बाद आपने इसी तरीके से आप जाके यहाँ पे प्रोफाइल में आएंगे और वहाँ पे जाके आपने अपना पासवर्ड वगैरह अपडेट कर लेना है ताकि वो वाला पासवर्ड जो है वो आपका सिक्योर रहे और उसके मुताबिक आप काम परफॉर्म कर सकें। अच्छा, तो अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा था कि हमने क्वेश्चन नहीं लिखी, असाइनमेंट बनाई है। तो असाइनमेंट जो आपने बनाई है उसको दोबारा बनाएं और उसके अंदर क्वेश्चन लिख के आप असाइनमेंट मुकम्मल करें। अच्छा जी, ये तो हो गया LMS से रिलेटेड चीज़ें। तो आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया है कि किस तरीके से इसमें लॉगिन करना है और किस तरीके से आपने चीज़ें अपडेट अपलोड करनी है। जी, सेल्फ रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा जी, अब मैं आपको ले आता हूँ
स्क्रीन्स के ऊपर जो स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स के ऊपर जहाँ पे हम कुछ चीज़ों का डिस्कस करेंगे जी। आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं या मैं कोई बात कर रहा होता हूँ डिटेल के अंदर, तो कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बार बार वो पूछ रहे होते हैं या क्वेश्चन मार्क कर रहे होते हैं। तो आपको ना एक दफ़ा क्वेश्चन करना है और वो प्रॉपरली करना है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जब मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बाद जो है ना, मैं उसी जगह पे वेट कर रहा होता हूँ यहाँ तक कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आंसर कर लूँ। अदरवाइज अगर आप बार बार जो है वो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे या कुछ ऐसा करते जाएंगे तो आपको जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन है ना वो अपवर्ड चला जाएगा और वो मिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपने जो क्वेश्चन करना है प्रिसाइज क्वेश्चन करें, उसके बाद वेट करें यहाँ तक कि आपको आंसर मिल जाए। आंसर मैं आपको यकीनन करूंगा, क्लास के अंदर ही करूंगा, ड्यूरिंग द क्लास भी होगा या स्टार्टिंग में करूंगा, या मैं आपके क्वेश्चन पढ़ते साथ ही आंसर करूंगा, या एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो है वो करूंगा। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि आपके क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा, आपके क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ और साथ साथ फिर उसको आंसर भी करूंगा। तो आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं आप चैट में यह करेंगे। अच्छा जी, ये बातें हो गई, तो कुछ इनिशियल बातें हमारी कंफर्म हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद जो है हम आते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है वो डिस्कस करने हैं और उससे रिलेटेड जो है हम सिंपल से प्रोग्राम्स को जो है वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, हम उन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जो है यहाँ पे व्यू कर रहे हैं दोबारा से। तो अब्दुल्ला मुनव्वर हमारी क्लास में है कोई बच्चा? ओके, अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं, आप जो मुझे चैट भेज रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, तो जो आप बात कर रहे हैं ना वो प्रूफ के तौर पे हमें प्लेस हो रही है, तो आप ज़रा एहतियात से बात करें जो भी कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। जी थर्सडे तक का टाइम है असाइनमेंट का, तो काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन दी हुई है, काफ़ी अच्छा टाइम आपके पास है, तो आप आराम से असाइनमेंट बना सकते हैं। तो थर्सडे रात 12 बजे तक का टाइम है, रात 12 बजे तक आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं असाइनमेंट। तो अब उसकी फिक्र ना करें, अब टाइम निकालें और उसको जो है अपनी असाइनमेंट को दोबारा से करके जैसे आपने वो प्रॉपरली सबमिट करना है प्रॉपर सबमिट करें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे ऑपरेटर है पहला, आगे यहाँ पे एडिशन, दूसरा यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्शन, तीसरा हमारा यहाँ पे आ गया मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन के लिए प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे स्टेरिक इस्तेमाल होता है, डिवीजन के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, और मॉडुलस के लिए यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज़ होता है। और ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, तो उसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं और इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके सामने यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, इसके बाद जो है ये आपका मेन मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है इस ब्रैकेट से और यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हो रही है इस वाली ब्रैकेट पे, और इसके बाद जो यहाँ पे अंदर स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए हैं। अब इसमें यहाँ पे देखें तो पहली जो स्टेटमेंट इसमें आ रही है, इसमें हम मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। एक हमारे पास मेमोरी है, उसका नाम है ए, दूसरी हमारे पास मेमोरी है और इसका नाम है बी। अच्छा,
इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, जो ये मैंने स्टेटमेंट अभी आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया है, इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? जी चैट में मुझे आप आंसर कर सकते हैं, जो पहला आंसर मुझे करेक्ट मिलेगा मैं उनके नाम से बता दूंगा जिन्होंने ये आंसर जो है वो ठीक दिया। जी क्वेश्चन मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये जो मैंने अभी मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है, इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट का नाम क्या है? जी मोहम्मद उमर ने आंसर किया है, वेरी गुड, ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में दो काम होते हैं, एक तो मेमोरी क्रिएट होती है और साथ में उनको वैल्यू भी असाइन हो जाती है। तो इस रिस्पेक्ट से ए की मेमोरी क्रिएट हुई और इसमें जो वैल्यू है 7 वो इसको असाइन हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद इसी स्टेटमेंट के अंदर दो इनिशियलाइजेशन हो रही हैं, तो दूसरा पद बी जो है मेमोरी क्रिएट हुई और इसको जो है वैल्यू असाइन होगी और वो वैल्यू वहाँ पे 2 असाइन होगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, सी और स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स ये एज इट इज आउटपुट पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको आउटपुट पे मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर के बाद यहाँ पे ए प्लस बी जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ए प्लस बी जो है एक्चुअल में दो मेमरीज के दरमियान में एडिशन परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे ए में वैल्यू है 7, बी में वैल्यू है 2, तो 7 + 2 रिजल्ट बनता है 9। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट पे 9 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली इस तरीके से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है, यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म की है और यहाँ पे रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम आते हैं और नेक्स्ट पे, जो कि हमारी आज से हमारा जो टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, डेट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। हम असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले वाकफियत हासिल कर चुके हैं, हम इस वाले ऑपरेटर को पहले देख चुके हैं, ये जो इक्वल टू का साइन है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, एक दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ये करता है कि इस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे जो कि यहाँ पे मेमोरी मौजूद है, इसमें जो वैल्यू है वो क्या करेगा, ये लेफ्ट वाले को साइन कर देगा। मतलब ये कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मेमोरी है दैट इज पी एंड इट हैज़ अ वैल्यू, लेट्स से इट कैन बी अ वैल्यू लेट्स से 15। तो एक और मेमोरी हमारे पास है दैट इज ए। अब इस असाइनमेंट ऑपरेशन की सूरत में रिजल्ट क्या होगा, बी में वैल्यू पड़ी है 15, बी में वैल्यू पड़ी है 15 और ये 15 वैल्यू जो है वो ए को असाइन हो जाएगी। तो जो यहाँ पे 15 वैल्यू है वो ए को साइन होगी, तो इस तरीके से मेमोरी ए में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। ओके अब जो है यहाँ पे इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको कुछ नए ऑपरेटर्स जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि ये वाले ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और जो ये वाले ऑपरेटर्स हैं इनमें भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर नज़र आ रहा है और इन ऑपरेटर के साथ आपको यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर भी साथ में यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो ये ऑपरेटर साथ में जो यूज़ हो रहा है, इसकी मदद से यहाँ पे जो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हैं इनको एक ख़ास नाम या एक ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जो नाम है वो ये होता है कि इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपके पास वही है जो कि अभी हमने इक्वल टू का सिंबल देखा है और उसका पर्पस भी हमने देख लिया है कि वो क्या करता है, मेमोरी एक वैल्यू की जो राइट हैंड साइड पे है उसकी वैल्यू दूसरी लेफ्ट हैंड वैल्यू साइड की मेमोरी को असाइन करता है। अब जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के अंदर जो है ना एक्चुअल में दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ऑपरेटर तो आपके पास इस तरीके से परफॉर्म होता है जैसे कि आपके पास ये है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी वर्किंग है वो आपको ज़रा यहाँ पे राइट साइड पे
जो चीज़ है इससे पता चलेगी। अब जो ये राइट साइड पे जो चीज़ है ये क्या है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास एक मेमोरी है, लेट से इट कंटेन वैल्यू ऑफ 15, देर इज एन अदर वैल्यू जो कि बी में पड़ी है एक और मेमोरी में, और इसमें भी देख रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 15। तो यहाँ पे आप देखें तो इनके दरमियान में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज प्लस का। जब प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा इट रिजल्ट बिकम 30। अब यहाँ तक रहते हुए आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि ये साथ में आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी मिल रहा है। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ये क्या कर रहा है कि जो रिजल्ट आपके पास बना 30, ये 30 जो रिजल्ट है ये एक्चुअल में ए को जाके असाइन हो रहा है। इस तरीके से ए की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी और इट विल बिकम 30। जी बिलाल, अगर आपने कोई बात करनी है तो आप चैट में बात कर लें, चैट इनेबल्ड है। मामून सईद, आप चैट में बात कर लें, आपका जो है माइक जो है विजिबल भी नहीं है, तो आप चैट में जो है मुझे बात कर लें जो करनी है। पहले भी आप मुझसे जो है चैट पे बात कर चुके हैं, तो उसी चैट पे आप बात करते रहें, हैंड रेस करने का को कोई फ़ायदा नहीं है। ओके तो जी अब जो यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू का, दैट इज़ अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यही काम कर रहा है कि ए में आपके पास वैल्यू 15 पड़ी है, ठीक है, बी में 15 वैल्यू पड़ी है, इन दोनों के दरमियान में प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो इसका रिजल्ट है वो लेफ्ट वाले को असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेमोरी है वो अपडेट कौन सी हो रही है, ये लेफ्ट वाली जो मेमोरी है ये अपडेट हो रही है। तो इस रिस्पेक्ट से जो है आपका जो ये ऑपरेटर है ये एडिशन में परफॉर्म कर रहा है और साथ में जो वैल्यू है वो लेफ्ट वैल्यू को असाइन भी कर रहा है। जी आपने जो भी क्वेश्चन करना है आप चैट में ही करेंगे, वट एवर द रीज़न आपने चैट में ही मुझे क्वेश्चन करना है। आप अपने क्वेश्चन को जो है जिस अंदाज में भी करेंगे मैं उसको क्वेश्चन को समझ लूँगा, उसकी जो मल्टीपल वेज होंगे मैं उन सारे वेज को देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा और सारों के मैं आंसर करूंगा। तो आप अपनी तसल्ली से जो है अपना क्वेश्चन जो है वो मुझे चैट में कर सकते हैं, उसके लिए आपको माइक इनेबल करने की मुझे कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जी इसमें ना ए में वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे देखें लेट से हमारे पास ए में वैल्यू पड़ी है 2, ठीक है, बी में वैल्यू पड़ी है 5। अब वैल्यू अपडेट किसकी होनी है, जो कि इस वाले कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर है, जो कि इस साइड पर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना है कि ये प्लस इक्वल्स टू है तो इसमें प्लस का ऑपरेशन होना है, तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपके पास 7। अब जो 7 ऑपरेशन होगा इसका रिजल्ट जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो ए में स्टोर होगा। तो अब ए में पहले वैल्यू पड़ी थी 2, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और वो वैल्यू बन जाएगी 7। ओके तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो मुझे ज़रा जल्दी से बताइएगा कि अगर ए की वैल्यू जो है वो हो 6 और बी की वैल्यू हो 3, तो ए में क्या वैल्यू आएगी और बी में क्या वैल्यू आएगी, आपने दोनों वैल्यूज बतानी है, ए ए और बी दोनों बतानी है। आप ए इक्वल्स टू करके बताएंगे, बी इक्वल्स टू करके बताएंगे। ओके अब्दुल समद, आपने बिल्कुल सही बताया, गुड, सॉरी आपने गलत है, ये मैं इस वाली स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट से आपने बताना है ए माइनस इक्वल्स टू बी। जी
ओके, इसका रिजल्ट जो है वो ये बनेगा कि ए में वैल्यू आपके पास है 6, बी में वैल्यू आपके पास है 3, ठीक है। तो इस सूरत में यह होगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होनी है, तो 6 माइनस 3 आपके पास रिजल्ट बनेगा 3। तो इसके बाद जो है ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, और बी की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी आपके पास 3 होगी, क्योंकि पहले से 3 थी। अपडेट कौन सी मेमोरी हुई है, ए वाली हुई है, तो ये पहले 6 थी और अब ये क्या होगी 3 होगी। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप ये करेंगे कि आप जी अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपने ये करना है कि आपने अपना कंप्लीट नेम मुझे चैट में सेंड करना है। जो आपका नेम मुझे चैट में रिसीव हो जाएगा उसकी बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आपने अपना कंप्लीट नेम चैट में मुझे सेंड करना है जी। जिन जिन के नाम मुझे रिसीव होते जा रहे हैं मैं उनके नाम जो है वो कॉल कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। इब्तिसाम अली, मोहम्मद हसाम, मोहम्मद उजैफा अब्बासी, अब्दुल समद, मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला, हसनैन अहमद, शाहजेब कैसर, सिराज हसन खान, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद अनस बिन आसिम, गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल हादी, जैन अली, साद इलियास अब्बासी, सटलैन अली, मोहम्मद हंजला, अब्दुलरहमान, मोहित शाहिद, सैयद कैसर अब्बास, दसिर साजिद, समीउल्ला इश्तियाक, अब्दुल्ला सगीर, शनावर अली, अब्दुल्ला मुनव्वर, इरफान अहमद, हमज़ा अहमद, अली हैदर कादरी, अली हैदर कादरी भी है क्वेश्चन, अच्छा, फरहान अयूब, मोहम्मद हशाम अब्बासी। तो जिनके नाम मैंने बोले हैं उनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो गई है। जो रिमेनिंग रह गई हैं वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके, इतनी देर में आप लोग अटेंडेंस मार्क करें, साथ में हम जरा इस वाले प्रोग्राम को जो है वो देख लेते हैं। हाँ जी, ये प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो मेमोरीज बन रही हैं, ए और बी। तो ये दो मेमोरीज बन गई, ए और बी। ये हम कहते हैं ये हमारे पास ए मेमोरी है, और ये हम कहते हैं ये हमारे पास बी मेमोरी है। अब इसके बाद इस वाले स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करने से ए में वैल्यू आ जाएगी 2, इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट करने से हमारे पास इस वाली मेमोरी में वैल्यू आ जाएगी 7, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है तो इसमें ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट पे देखें तो ये आपके पास ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे बी की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इस वक्त में आपके पास ये बी की वैल्यू आउटपुट पे जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आउटपुट पे नेक्स्ट लाइन में जाके आफ्टर ए प्लस इक्वल्स टू बी लिखा आएगा, जैसे कि ये आपके पास एक लाइन छोड़ने के बाद ही लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा ए प्लस इक्वल्स टू बी, ए में वैल्यू पड़ी है 2, बी में वैल्यू पड़ी है 7, 2 प्लस 7 हो जाएगा 9, और 9 किसको साइन हो जाएगा ए को, तो ए में पहले 2 पड़ा हुआ था, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। इसके बाद नेक्स्ट पे देखें तो सिर्फ ए की वैल्यू को डिस्प्ले किया जा रहा है, तो ए की वैल्यू को सिर्फ डिस्प्ले करें तो आउटपुट पे क्या आ रहा है 9। तो ये देखें यहाँ पे ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ रहा है 9। अच्छा, अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो मुझे यहाँ पे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ बी इक्वल्स, तो आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे बी की, यानी कि यहाँ पे एक जगह बी आ जाए और यहाँ पे बी इक्वल्स आ जाए, तो आउटपुट क्या आएगी।
जी वेरी गुड, बी की वैल्यू जो है वो 7 आएगी। अच्छा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आफ्टर से पहले ये जो बैक स्लैश एन लिखा हुआ ये क्या है? बैक स्लैश एन जो है इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। ये बैक स्लैश के साथ जो है ये एन लिखा हुआ है ये क्या है? ये है बैक जो है एस्केप सीक्वेंस है। अब जो ये एस्केप सीक्वेंस है इसने क्या करना होता है, इसने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना होता है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जब बैक स्लैश एन नजर आएगा इसको, इस वाले ऑपरेटर को, तो ये क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के बाद उससे आगे रिमेनिंग चीज़ जो है वो जैसी है वैसे ही इसको लिख दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे क्लास क्लोज होती है। इसके फौरन बाद जो है हमने अगले सेशन को ज्वाइन करना है। जैसे ये क्लोज होगी इसके फौरन बाद आपने साथ ही ज्वाइन कर लेना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।